हेलो यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सभी को नमस्ते और शिवरात्रि की शुभकामनाएं आप सभी को। और हम जमुना कुमारी 515 आप सभी का स्वागत है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें और कमेंट जरूर करें कि हमारी वीडियो कैसी बनी है लास्ट तक, ठीक है। ब्लॉग वीडियो एंड तक देखना, लास्ट तक हमारी पूरी वीडियो। और हम कुछ अपने बारे में बताने वाले हैं, क्या करें, बहुत परेशान से हम वीडियो बना पाते हैं, मेहनत करते हैं आप हम इतनी मेहनत करते हैं कि हम वीडियो बनाते हैं, बहुत परेशानी आती है हमें वीडियो बनाने में, क्यों हमें कम सपोर्ट कर रहे हैं लोग, सभी लोग, और न कम व्यूज आ रहे हैं, क्या करें। बड़ी मेहनत करते हैं तब भी हमारे व्यूज नहीं बढ़ रहे, नहीं सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं, क्या करें, बहुत परेशान रहते हैं। हम वीडियो बनाते हैं तो हमारे पैर में चोट भी लग जाती है, और क्या करें, बहुत परेशानी, वीडियो बनाते हैं चोट भी लग जाती है और दर्द भी होता है पैर में। हम चाहते हैं हमें ज़्यादा सपोर्ट करें, लाइक सब्सक्राइब करें, आगे बढ़ाएं, हमारे व्यूज बढ़ें, हम ये चाहते हैं। देखो फ्रेंड, हमारे पैर में, दोनों पैर में पोलियो मारी गई है और हम वीडियो बनाते हैं, हम चाहते हैं हमें सपोर्ट करो ज़्यादा। और देखो हम पेड़ दिखा रहे हैं, ये देखो नीम का पेड़ है और ये देखो ये तोड़ी गड़ी हैं, पेड़ तुरैया का पेड़ है। इस पेड़ पे नींब पे पौड़ जाएंगी तुरैया, तुरैया आने लगेंगी इस पे। देखो ये नींब का पेड़ है, कितना अच्छा है। हमारे घर में गड़ा है नींब का पेड़, बहुत अच्छा लगता है नींब का पेड़ है। जब हवा चलती है ठंडी ठंडी तो बहुत ठंडी ठंडी हवा आती है। ये हमारी दादी हैं, इनके साथ हम वीडियो बनाते हैं। अभी हम रिश्तेदारी में हमारी दीदी की सास है, हमारी अम्मा ही लगी, और इनकी हम वीडियो बनाते हैं। देखो हमारी दादी कुछ कहना चाह रही हैं। जमुना बहुत मेहनत करते हैं, इन्हें आगे बढ़ाओ, बड़ा अच्छा। ये हमारी दादी कह रही हैं कि जमुना बहुत मेहनत करती है, इन्हें आगे बढ़ाओ और सपोर्ट करो हमें ज़्यादा है। और बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं, इन्हें बहुत तरसाता है हमारा, विकलांग के इसलिए हम चाहते हैं हमें ज़्यादा सपोर्ट करें। देखो हमारी दादी कुछ कह रही हैं, आगे मेहनत बहुत करते हैं और आगे करो, जनक बढ़ाओ, आगे जमुना वहाँ को आगे बढ़ाओ। तो हमारी दीदी बहुत काम करके आई हैं, खेत पे नराई करके आई हैं, नरवाई करके आई हैं। हमारी दीदी को घास लेके आई हैं, काट के करेला लाई हैं, घास नराई करके घास लेके आई हैं, खेत में बैठ के था। बहुत मेहनत करती हैं और बीमार रहती हैं, क्या करें, बहुत परेशान रहती हैं। फ्रेंड्स, हमारी वीडियो ज़रूर देखना, लाइक सब्सक्राइब जरूर करना, और बस इतनी मेहनत से हम वीडियो बनाते हैं, ज़रूर सपोर्ट करो, हम चाहते हैं पूरी वीडियो देखना एंड तक, ठीक है।